अब आता है सवाल घर का। तो घर के ताल्लुक से हम एक चीज देख चुके हैं, वो ये कि जन्नत है बहुत ऊंची जगह, बहुत खूबसूरत है और बहुत ऊंची जगह है। लेकिन हम देखते हैं कि घर के ताल्लुक से एक आयत है कुरान में, सूरह जुमर में, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 20, अल्लाह ताला ने फरमाया लकिन الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف, जो लोग अल्लाह से डरते हैं अल्लाह उन्हें घर देगा जो एक के ऊपर दूसरे होंगे, मतलब ऊपर नीचे इस टाइप के घर होंगे, हाँ मतलब हाइट्स पर होंगे। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया गुरफ मबनीयतुन, ऐसे घर जो ऊंचे मकामात पर होंगे। सुनिए, ऐसे घर जो ऊंचे मकामात पर होंगे, सिर्फ एक ही नहीं बल्कि एक होगा फिर दूसरा होगा। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया तजरी मिन तहतिहा अलअनहार, उसके नीचे से नहरें बहती है, मतलब वो जो घर होंगे उसके नीचे से नहरें बहती है। وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادِ, ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपना वादा नहीं तोड़ेगा। तो हम देखते हैं घर कैसा होगा, ऊंचे मकामात पर होगा और नीचे से क्या बह रही होगी, नहरें बह रही होगी। सोच सकते हो आप कि कोई ऊंची सी जगह से जो व्यू है, हाँ सी व्यू बोलते हैं, हाँ रिवर व्यू, वो रिवर व्यू हो तो वो कितनी खूबसूरत सी जगह है। वो जगह अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए रखी है। वो मसाकिना तोयिबतन फी जन्नती अदन, अल्लाह ताला ने सूरह सफ में कहा कि पाक घर हमेशा रहने वाली जन्नत में, जो बहुत पाक घर होंगे, बहुत अच्छे घर होंगे। तो मेरे बच्चों, दुनिया के घर के लिए लोग बहुत भाग दौड़ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, घर कोशिश करते हैं मेरा बड़ा घर हो, मेरा अच्छा घर हो, ये समझते हैं कि हमारा बहुत बड़ा और अच्छा घर हो जाएगा, सपनों का घर बोलते हैं, सपनों का घर हो जाएगा फिर खुशी से रहेंगे ऐसा बोलते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर खुशी आती भी है जाती भी है, गम खुशी सब लगे हुए हैं, लेकिन असल खुशी कहाँ है, जन्नत में। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, इन्ना लिल्मुमिनी फिल जन्ना लखैमा। पता है आपको खेमा क्या होता है, खेमा किसे मालूम है, खेमा 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 का मतलब खेमा नहीं, खेमा का मतलब टेंट, खेमे का मतलब टेंट लगाते हैं ना, टेंट उसके खीले ठोक करके टेंट लगाते हैं। मालूम है आपको कि कई जगहों पर जहाँ पर गर्म वेदर होता है, हाँ तो वहाँ पर ठंडी के मौसम में बहुत अच्छा लगता है लोगों को, तो वो जाकर टेंट में रहते हैं, हाँ टेंट में उन्हें बहुत अच्छा लगता है। डेजर्ट में रेगिस्तान वाले लोग जब ठंडी का मौसम थोड़ा आता है तो बाहर निकलते हैं, टेंट में जाकर रहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, सुनिए यहाँ पर, इन्ना लिल्मुमिनी फिल जन्ना लखैमा मिन लुलुवतिन वाहिदतिन मुजव्वफतिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मोमिन के लिए जन्नत में खेमा होगा, वो जो खेमा बना होगा मोती का बना हुआ, एक सिंगल बड़ी मोती और वो मोती जिसके अंदर का हिस्सा हॉलो है, और फिर तो लुहा सितुना मीलन, उसकी लंबाई 60 मील, इतना बड़ा खेमा 60 माइल्स यानी ऑलमोस्ट 95 किलोमीटर के करीब हो गया, 95 किलोमीटर के करीब इतना दूर इतना बड़ा खेमा होगा। हर चीज जन्नत में बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है, ये खेमा भी बहुत खूबसूरत है। क्या चीज का बना है, मोती का, मोती पर्ल होता है ना, पर्ल, पर्ल, वो पर्ल का बना हुआ खेमा अंदर से कितना ब्यूटीफुल लगेगा, सोच सकते हैं। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लिल्मुमिनी फीहा अहलुना यतूफु अलैहिमुल मुमिन, वो पर्ल के अंदर वो अलग अलग फैमिलीज रहेगी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फला यरा बादुहुम बादा, लेकिन बाज दूसरों को नहीं देख सकेंगे, यानी उसमें एक तरह के पार्टीशन भी होंगे जिसके जरिए प्राइवेसी भी रहेगी। तो ये खेमा भी होगा, वो घर भी होगा, वो महल भी होगा, और ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने बनाई है। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। iPlus TV बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।